गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स देखिए आज हम नया टॉपिक कवर कर रहे हैं आई यानी कि समा बयप्ता. इसका आज हमारा लेक्चर फर्स्ट है माई सेल्फ डॉक्टर तेजपाल सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर इन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना तो बच्चों हम देखने जा रहे हैं आई यानी कि समा या आई किसे कहते हैं आपने देखा होगा जब भी आप स्टडी करते हैं कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मोलिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर या स्पेशल अरेंजमेंट क्या होता है अलग अलग होता है उसी टाइप के कंपाउंड्स को बोलते हैं हम आइसोमर्स देखिए डिटेल्स में स्टडी करते हैं जो आइसोमैरिम जो बर्ड्स है वो दो शब्दों से मिलकर बना है देखिए आइसोस मीन्स इक्वल आइसोस मीन्स इक्वल देखिए ग्रीक बटर आइसो इक्वल्स और मीरोज मतलब पार्ट इक्वल पार्ट तो बच्चे से सीधे समझ में आ रहा है आपको देखो इक्वल पार्ट है लेकिन कंपाउंड्स क्या हैं अलग अलग हैं मतलब मोल का फॉर्मला तो क्या सेम है लेकिन कंपाउंड्स क्या क्या हैं अलग हैं इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं आइसोमर्स और फिनोमिनल कहलाती है आइसो मैरिज मतलब समा कि डिफरेंट कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला देखिए डेफिनेशन देखते हैं डिफरेंट कंपाउंड बिच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स देखिए एंड द फिनोमिन एंड द फिनोमिन इज नोन एज इज़ नॉन एज आइसो मैरिजम आइसो मैरिजम मतलब डिफरेंट टाइप के अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स, जिसका मोल फॉर्मूला क्या हो सेम हो इस टाइप के कंपाउंड कहलाते हैं आइसोमर्स और ये घटना ये फिनोमिनल कहलाती है आइसो मैरिजम हम अलग टाइप के डेफिनेशन लिख सकते हैं देखो यानी कि टू और मोर कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिसका मोल फॉर्मूला सेम हो लेकिन डिफरेंट क्या हो सकती है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि और कह सकते हैं देखिए टू और मोर कंपाउंड्स टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मुला what different what different physical and chemical properties what have different physical and chemical properties are called आइसोमर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स देखिए जो हमने ऊपर डिस्कस किया था दो या दो से अधिक कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला एक जैसा हो लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या के हो अलग अलग हो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं आइसोमर्स यानी कि समावयवी और ये घटना कहलाती है समावयवता या फिर आइसोमेरिज्म यानी कि देखिए हम कह सकते हैं द फिनोमिन द फिनोमिन ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ द फिनोमिन ऑफ एक्जिसटेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स टू और मोर कंपाउंड्स पजेजिंग पजेजिंग the same molecular formula the same molecular formula what different what different properties properties is called आइसो देखिए इज कॉल्ड आइसो देखिए यानी कि ऐसी घटना द फिनोमिन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स दो या दो से अधिक कंपाउंड की ऐसी फिनोमिनन जो कंपाउंड सेम मोल का फॉर्मन रखते हैं लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके गुण क्या हैं अलग अलग हैं ये घटना कहलाती है आइसो और इन कंपाउंड को कहते हैं आइसो मर्स या फिर समा तो बच्चों ये हमारा क्या है इसकी डेफिनेशन यानी कि आइसो किसे कहते हैं तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक कंपाउंड्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है लेकिन उनका का फॉर्मूला क्या है एक जैसा है उन कंपाउंड्स को कहते हैं आइसोमर्स और ये घटना कहलाती है आइसो अब हम आगे देखेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ आइसो यानी कि आइसो कितने प्रकार का होता है टाइप्स ऑफ आइसो तो बच्चे जो आइसो है देखिए दो टाइप का होता है देखिए आइसोमेरिज्म देखिए एक है स्ट्रक्चरल आइसो स्ट्रक्चरल आइसो और दूसरा देखिए स्टीरियो आइसो मैरिजम स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी आइसोम कितने टाइप का है स्ट्रक्चरल और स्टीरियो स्ट्रक्चरल की बात करें स्ट्री मतलब संरचना तो स्ट्रक्चर तो से बच्चों सीधे सबसे ही पता लग रहा है कि जिनका स्ट्रक्चर क्या हो डिफरेंट हो जिनका स्ट्रक्चर क्या हो डिफरेंट हो लेकिन मोल का फोर्म क्या रहे सेम रहे और स्ट्रक्चर डिफरेंट रहे दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यह जिनो जिन्होंने स्ट्रक्चरल आईसो देखिए देखने सिंपल डेफिनेशन है इसकी द कंपाउंड्स द कंपाउंड्स यानी कि ऐसे कंपाउंड विच हैविच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला वट वट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर वट डिफरेंट स्ट्रक्चर देखिए द कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिसका मोल फोर्म क्या है सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या रहे डिफरेंट रहे ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं स्ट्रक्चर आईसो यानी कि दैट इज डिफरेंट अरेंजमेंट रिफ़रेंस अरेजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स विद इन ए विद इन ए मोलिकुल्स देखिए यानी कि अरेंजमेंट है एटम्स का कैसा रहे किसी मोलिकल्स में क्या रहे अलग अलग रहे यानी कि द कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला व डिफरेंट स्ट्रक्चर इसका मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम विद इन ए मोलिकुल्स किसी मोलिकूल्स में जो एटम्स हैं या फिर एटम ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट क्या हो अलग अलग हो जब उनका अरेंजमेंट अलग होगा तो कंपाउंड कैसा होगा डिफरेंट स्ट्रक्चर का होगा जब डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा क्या होगा फिर स्ट्रक्चरल आइसो मैरिम स्ट्रक्चरल आइसो मैरिज बोल सकते हैं देखो यह हम कर सकते हैं कॉल्ड ग्रुप एटम्स कॉल्ड स्ट्रक्चरल कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन टर्म्ड एज इस टर्म्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमैरिजम देखिये सिंपल एक लाइन में कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोल फुला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है अलग अलग है ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और ऐसी घटना कहलाती है फिलोमिन स्ट्रक्चरल आइसो एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों बाद हम देखेंगे टाइप देखिए कोई एक सिंपल एग्जाम्पल है अगर हम लेते हैं सी टू एस सिक्स ओ देखिए सी टू एस सिक्स ओ अगर हम इसको देखते हैं देखिए कैसे रिप्रजेंट कर सकते हैं सी एस थ्री सी एच टू और देखिए ओ एच सी थ्री सी एच टू एच और दूसरा तरीका क्या है हाँ? देखिए इसके स्ट्रक्चर का सी थ्री ओ देखिए मुर्ग फूलों सेम है सी टू एस सिक्स ओ देखिए सी टू एस सिक्स ओ सी टू एस सिक्स हो लेकिन हम देखते हैं क्या है ये एल्कोहल में आ जाता है देखिए कितना अलग अरेंजमेंट है और इसमें क्या आता है ये अलग ग्रुप आ जाता है देखिए लेकिन कंपाउंड क्या है सेम है मुर्ग के फूलों क्या है सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है अलग अलग है तो इस टाइप्स के कंपाउंड कहलाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये बच्चों टाइप्स में हम आगे देखेंगे डिटेल में स्टडी करेंगे अब अगला हम कवर करते हैं देखिए स्टीरियो आइसो स्टीरियो आइसो बच्चों स्टीरियो वर्ड है यहाँ ये भी ग्रीक वर्ड है ग्रीक वर्ड है स्टीरियो और इसका मीन्स होता है सोलिड सोलिड मतलब जब भी हम थ्री डायमेंशनल स्टडी करते हैं किसी कंपाउंड्स की और देखने का प्रयास करते हैं कि उसका स्ट्रक्चरल या उसका मतलब जो व्यूज है देखने का वो कैसा है वो कब हो सकता है पॉसिबल इन दोलि स्टेट इन केस ऑफ सोल स्टेट तो इस टाइप की स्टडी कहलाती है स्टीरियो केमिस्ट्री हम कहते भी हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द मोलिकुल्स अब हम किसी मोलिकुल्स का थ्री स्टडी करते हैं तो वो आता किस में स्टीरियो में और ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स देखिए इसकी डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन है द आइसोमर्स

सेम मुल्ग फोर्मा या बिच हैव सेम स्ट्रक्चर देखिए बीच हैव सेम स्ट्रक्चर या सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बीच हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला व्हाट हैव स्पेशल अरेंजमेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स देखिए जो हम बात करते दे, हैं थ्री डायमेंशनल की यह स्ट्रक्चर सेम रहेगा और पहले हमने क्या स्टडी किया था कि स्ट्रक्चर क्या हो डिफरेंट हो यानी कि द आइसोमर्स बीच हैव सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला व्हाट हैव स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर नोन एज आर नोन एज स्टीरियो आइसोमर्स आर नॉन एज स्टीरियो आइसोमर्स एंड द आइसोमेरिज्म एंड द आइसोमेरिज्म एग्जिहिबिट एग्जिहिबिटेड वाई देम इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखिए स्टीरियो देखिए सिंपल में समझ सकते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है लेकिन उसके अंदर जो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स उसका अरेंजमेंट क्या है स्पेशल है और किसमें थ्री डायमेंशनल में किसमें थ्री डायमेंशनल में स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दियर एटम्स आर नॉन एज स्टीरियो आइसोमर्स एंड द फिनोमिनल इज नॉन एज स्टीरियो आइसोमैरिज में देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं बाद में हम देखेंगे इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप कोई एग्जाम्पल देखिए ये है समझ आगा आपको देखिए एच एच सी एल सी एल देखिए दूसरा सी डबल ऑन सी देखिए सी एल सी एल एच एच बच्चे देखो आपको स्ट्रक्चर सेम दिख रहा होगा देखिए स्ट्रक्चर सेम है मगर क्या देखिए स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या स्पेशल कनेक्टिविटी ऑफ द एटम्स ये सी एल देखिए ट्रांसपोजिशन में है लेकिन कनेक्ट क्या है कार्बन से अटैच है देखिए ये दोनों कार्बन से अटैच है ये भी कार्बन अटैच है और ये इस समय क्या है सेम साइड में देखिए डबल बॉन्ड के ये डबल बॉन्ड के ट्रांस साइड में है ये डबल बॉन्ड के सेम साइड में है लेकिन कनेक्टिविटी क्या है इनकी सेम है देखिए दोनों कार्बन से अटैच नहीं है अभी कार्बन से अटैच है लेकिन क्या है ये स्पेशल टाइप्स का अर्जमेंट किसका एटम्स का विद इन ए मोलिकोल्स तो इस टाइप के आइसोमर्स कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स अब हम डिटेल्स में जब इसको स्टडी करेंगे तो देखेंगे ये किस टाइप का आइसोमर्स है तो बच्चों ये आता है ट्रांस आइसोमर्स अब हम देखिए कल के लेक्चर में कवर करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स का होता है थैंक यू